हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छाया टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको सादा ब्लाउज की सिलाई करना यहाँ पे बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो यहाँ पे ब्लाउज हमने कट कर लिया है। अगर आप ब्लाउज की कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे आई बटन पे हमने दे दिया है, तो अब आप वहाँ से इसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम आगे का पार्ट है हमारा, उसको चौक से जो हमने डॉट डाली थी उन पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे अब हम इसमें डॉट डालेंगे। तो पहले ये हमारी जो डार्क है वो दूसरी तरफ भी, जो हमारा दूसरा पार्ट है उस पर भी हम इसको छाप लेंगे। ऐसे करके आप दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखिए और यहाँ पे हल्का सा हम यहाँ पे हाथ से इसको ऐसे छापेंगे दूसरी तरफ। तो ऐसे हमारी जो डॉट हैं बिल्कुल सेम पड़ेंगी दूसरे पार्ट में भी। इसको हम डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डॉट डाल के आपको बताएंगे। तो यहाँ पे नीचे वाली हम पहले डॉट लेंगे। यहाँ पे ये जो हम नीचे वाली डॉट डालते हैं वो हम थोड़ी यहाँ पे चौड़ी लगभग 1 इंच की आप यहाँ पे डालिए। और जो बाकी की हमारी 3 डॉटें डलेंगी वो हम यहाँ पे पतली पतली डालेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये नीचे की हमने डॉट डाली। अब यहाँ पे ये हम लगभग 1 बूट की लेंगे, यहाँ पे पतली डालेंगे। और जहाँ तक हमने निशान इसका लगाया वहाँ पे आपको निकालना है। और धागा जो हम यहाँ पे कट करते हैं, धागा थोड़ी दूर से हम कट करेंगे। जैसे हम धागा थोड़ी दूरी से कट करेंगे, अगर आप यहाँ पे पास से बिल्कुल कट कर देंगे तो हमारी जे डॉट खुल सकती है, इसलिए आपको दूरी से धागा यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे डॉट हमने डाल ली है, देखिए डॉट हमारी 4 यहाँ पर डल गई हैं। अब जो नीचे का बेल्ट है वो हम बेल्ट इसमें अटैच करेंगे। अब इसको ऊपर रख के जो ब्लाउज हमारा है वो हम सीधा ही रखेंगे, जो हमारी बेल्ट है उसको हम यहाँ पे उल्टा रख लेंगे और इसमें हम अटैच करेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे निकलेगा उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। और जो हमारी बेल्ट होगी इसके बेल्ट के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। और जो मार्जिन होगा, मार्जिन हम बेल्ट की तरफ रखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ मार्जिन नहीं करेंगे, नीचे की तरफ हम मार्जिन करेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी बेल्ट बन के तैयार हो गई है, इसमें फिट हो गई है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। दूसरा पार्ट भी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम हुक का आई की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसमें आई की पट्टी लगाएंगे जो सीधे हाथ पे होती है, और टेढ़े हाथ पे हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसका कपड़ा लिया हुआ है ब्लाउज का, जो यहाँ पे हम हुक की पट्टी के लिए कपड़ा कट करेंगे। अब जब हमने कपड़ा कर लिया, इसको हम डबल फोल्ड करके ऊपर से थोड़ा हम निकाल के ही अटैच करेंगे, गले की तरफ थोड़ा बढ़ा के, और नीचे की तरफ भी थोड़ी हमारी बड़ी होगी, ऊपर की तरफ भी हम थोड़ी बड़ी रखेंगे। बिल्कुल आप फिट मत रखिए, और जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारी यहाँ पे छोटी हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी ही पट्टी लेंगे। और पट्टी को दूसरी तरफ करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब पट्टी को हम दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे आप जो तुरपाई भी कर सकते हैं कॉर्नर पर, यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा ले रहे, बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। और नीचे से जो हमारी पट्टी निकलेगी उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है इसमें आई की पट्टी हम बनाएंगे। तो आई की पट्टी कैसे लगानी है, हमें जो हमारा कपड़ा बचा था उसमें से ही
आई की पट्टी निकालेंगे, यहाँ पे इसको हम अटैच करेंगे पहले। अब हम क्या करें, इसको मार्जिन को हम ऐसे रखेंगे, इसको पहले हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, और जो हमारा अंदर की तरफ मार्जिन होगा वो हमारा दब जाए, ऐसे करके इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारी पट्टी यहाँ पे दब गई है, तो पट्टी हमारी यहाँ पे दबी हुई है, और इसके ऊपर एक हम कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे इससे कि पट्टी हमारी दब जाए अच्छी तरीके से। और नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी लगाएंगे, तो कमर पट्टी के लिए लगभग आप 1.5 इंच का कपड़ा यहाँ पे ले लें, कट कर लें। यहाँ पे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे इसको थोड़ा। अब पट्टी को दूसरी तरफ करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, जो हमारी पट्टी पे सिलाई लगेगी। अब अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर एक हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आप कच्ची भी सिलाई लगा सकते हैं, बाद में आप इस पे तुरपाई कर दें और सिलाई को निकाल दें। तो यहाँ पे जो हमारी कमर पट्टी लग गई है, जो हमारा दूसरा पार्ट है आगे का, उसमें भी हम कमर पट्टी यहाँ पे लगा लेंगे। तो कमर पट्टी हमने यहाँ पे दोनों पार्ट जो आगे के थे वो हमारे तैयार हो गए। अब हम बैक पार्ट यहाँ पे तैयार करेंगे, तो जो हमारी डॉट का निशान है उसको दूसरी तरफ भी हम छाप लेंगे, और इसके अब हम डॉट डालेंगे। लगभग 1 इंच की आप यहाँ पर डॉट डालिए पीछे की। और जो नीचे है, अब यहाँ पे हमें इसमें भी कमर पट्टी लगानी है, डॉट हमारी पड़ गई है। अब दूसरी तरफ करके इस पर भी हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे, इससे कि हम जब अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो अच्छी तरीके से हमारी फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया, आगे के पार्ट भी हमारे तैयार हो गए। तो बैक पार्ट को हम यहाँ पे सीधा रखेंगे, जो हमारे आगे के पार्ट होंगे उनको हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे जो हमारे शोल्डर हैं कंधे, उनको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो गले की तरफ से बिल्कुल हम बराबर लेंगे, और आर्म होल की तरफ अगर आपके बड़े हो रहे हैं तो यहाँ पे आप कट भी कर सकते हैं, लेकिन गले की तरफ हमें यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखने हैं। और शोल्डर पर हमेशा हम 2 सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारे पक्के हो जाएं। अब इसको पलट के हम जो हमारा बैक पार्ट होगा उसका हम सेंटर यहाँ पे निकालेंगे।
दोनों को ऐसे बराबर करके आपको यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा, तो उस पर हम निशान लगा लेंगे पहले। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे आगे का पार्ट है इसके ऊपर हम रखेंगे, जो हमारी आई वाली पट्टी है उसको निकालते हुए, जो हमने लाइन चौक से बनाई है उस पर निकालते हुए हम रखेंगे और यहाँ पे पिन से अटैच कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो कपड़ा है इधर उधर हिले नहीं, सही से हमारा बिल्कुल, जो हम यहाँ पे इसको सेट करके यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम निकालेंगे, बिल्कुल आगे के और बैक पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर हो जाए। इसलिए यहाँ पे आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं और बाद में इसको कट कर सकते हैं, अगर आप मिला के बिल्कुल काटना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट यहाँ पे निकल रहा है उसको हम कट कर देंगे और आर्म होल भी हमारे यहाँ पे बड़े हो रहे हैं तो या वो भी हम कट कर देंगे। नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे, ऊपर की तरफ जो हमारा घर बड़ा हो रहा है तो वो आप यहाँ पे कट कर दीजिए। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आई की पट्टी हमने निकाल दी थी, इसको हम इसके ऊपर बिल्कुल बराबर रख के यहाँ पे पिन अटैच कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे बराबर रख के आप यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सिलाई नहीं लगानी है तो यहाँ पे आर्म होल आपका जैसे बड़ा हो रहा है, जो पीछे वाला पार्ट हमारा बड़ा निकल रहा है उसको हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, तो ऐसे हमारे पार्ट जो हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब हम पिन को हटा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे गले के लिए हम पट्टी यहाँ पे कट करेंगे, तो यहाँ पे ये कपड़ा बचा हुआ है वो हमने लिया है, यहाँ पे हम जो और भी पट्टी होती हैं वो हम यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम पहले तिरछा कर लेंगे इसको और यहाँ पे लगभग 1.5 इंच की हम पट्टी निकालेंगे, तो यहाँ पे निशान हम लगा लेंगे 1.5 इंच की यहाँ पे आपको पट्टी निकालनी है। यहाँ पे हमने अंदाज से कर लिया है, आप यहाँ पे अगर नहीं कर पा रहे हो लगभग आप 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लें और फिर इसकी कटिंग करें, तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कट कर लेंगे पट्टियों को। अब इनको ज्वाइंट कैसे करना है वो ज़रा देखिए आप, यहाँ पे इसको हम सीधा ऐसे नहीं रख सकते, इनको हम तिरछा रखेंगे, ऐसे दोनों पट्टियों को तिरछा रखे कहाँ पे हमें सिलाई लगानी है कि जिससे कि बिल्कुल हमारी बराबर पट्टी यहाँ पे ज्वाइंट हो, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है ऐसे, यहाँ पे इस पे सिलाई लगाएंगे वैसे ही हम जैसे हमने निशान लगाया है, तो हमारी जो पट्टी होगी वो बिल्कुल सही ज्वाइंट होगी और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे निकलेगा उसको आप यहाँ पे कट कर दीजिए, ज़्यादा बड़ा कपड़ा मत रखिए। यहाँ पे देखिए हमारी ये जॉइंट होगी, ऐसी सारी पट्टी तिरछी रख के हमको जॉइंट करनी है, तो यहाँ पे हमने जो पट्टी यहाँ पे जॉइंट कर ली है, अब हम गले पर कैसे इसको अटैच करेंगे यहाँ पे ये देखेंगे हम। जो साइड में हमने कपड़ा सीधा करने के लिए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई थी उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे, अब यहाँ पे हम पट्टी जॉइंट करेंगे, तो बिल्कुल कॉर्नर से हम पूरे गले पर पट्टी जॉइंट करेंगे पहले, तो हमने यहाँ पे पट्टी ली, पट्टी को जो हम बराबर करेंगे यहाँ पे कट कर देंगे इसको आगे से और इसको थोड़ा मोड़ेंगे, मोड़ के यहाँ पे डबल कर ली हमने, डबल करके अब इसके ऊपर हमें रखनी है और ऐसे सिलाई लगानी है। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे,
अब ऐसे ही पट्टी को आपको इस पे के ऊपर रखनी है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अच्छी तरीके से आप इसको सेट करिए, हल्के हाथों से आपको पट्टी ना पट्टी ना जो ब्लाउज का कपड़ा है कोई खींचना नहीं है, दोनों में से आराम से यहाँ पे इसको अटैच करिए। यहाँ पे जो हमारी पट्टी थोड़ी छोटी पड़ गई है तो इस पे हम एक और जो हमने कट की थी यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और इसको हम पूरा यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ी पड़ाकर ही पट्टी हम यहाँ पे कट करेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम अटैच कर देंगे इसको और जो हमारी पट्टी थोड़ी थोड़ी निकली होगी यहाँ पे उसको हम कट कर देंगे। देखिए थोड़ी पट्टी हमारे यहाँ पे निकली है, वो हम यहाँ पे इसको छांट देंगे। यहाँ पे हमने कट कर दी है, अब जहाँ पे हमारी ब्लाउज में गोलाई है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे कपड़ा जो उठ रहा है वहाँ पर हमारी गोलाई है, तो यहाँ पे ऊपर से आके यहाँ पे हमारी गोलाई होती है तो वहाँ पे हमारा कपड़ा उठता है, तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर भी हमारा कपड़ा उठ रहा है तो यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। अब पट्टी को दूसरी तरफ करके इसके ऊपर एक हम सिलाई लगा लेंगे। पूरी पट्टी पे हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो हमारे गले की पट्टी है, अब हम इसको यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो हमने पट्टी पे लगा दी, अब इसको हम अंदर की तरफ करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे तुरपाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगा लें और बाद में तुरपाई कर लें और सिलाई को यहाँ पे हटा दें। यहाँ पे हम लेकिन यहाँ पे हम पक्की सिलाई कर लेंगे बिल्कुल कॉर्नर से, क्योंकि हम बाद में इस पर तुरपाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम सिलाई कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो गले की पट्टी है वो यहाँ पे लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी जो पट्टी है वो यहाँ पे अटैच हो गई है गले की। अब हमारा ये ब्लाउज यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम जो कपड़ा लेंगे उस पर हम बाजू यहाँ पे कट करेंगे। ये हमारा नेट का कपड़ा है, पहले इसको हम उल्टा करेंगे।
उल्टी साइड से हमने फोल्ड कर लिया। और इसको एक बार और फोल्ड करेंगे हम बीच से। इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब जो बंद वाला हिस्सा होगा वो हमारी तरफ होगा, खुला हुआ हिस्सा हम दूसरी तरफ रखेंगे। यहाँ पे हमें कितनी बड़ी बाजू निकालनी है, लगभग 10 इंच की हमें यहाँ पे बाजू तैयार चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा जो सादा फैब्रिक है वो तो हमारा अंदर की तरफ, हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे, अंदर की तरफ हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले रहे हैं 10 इंच, 10.5 पे हमें यहाँ पे निशान लगाएंगे, आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा। यहाँ पे 10 इंच पे हमने 10.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसका आर्म होल हम नाप लेंगे ब्लाउज का, बैक पार्ट का, ये है 1.5 इंच। हमने यहाँ पे इसका जो ब्लाउज की फिटिंग में मार्जिन दिया था वो है हमारा। अब यहाँ पे हम इसको नाप लेंगे तो हमारा आ रहा है यहाँ पे लगभग 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, जी हमने जो निशान लगाया है 10 इंच लंबाई में, अब इस पे ही हमें 7.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ पे हम इसको निशान लगा देंगे। अब यहाँ से लगभग हम 3 इंच डाउन करेंगे क्योंकि बाजू हमारी लंबी है। अगर हमारी बाजू यहाँ पे छोटी होती तो हम 2.5 इंच पे यहाँ पे डाउन करते और इसको हम बाजू का यहाँ पे शेप बना देंगे ऐसे। यहाँ पे लगभग हम 5.5 इंच की हमारी गोलाई होगी और 1.5 इंच हम इसमें भी मार्जिन दे देंगे ऐसे। हमारे बाजू का यहाँ पे मार्किंग हमने कर ली और बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। अब जी यहाँ पे हम गहराई आगे की तरफ जो हमारी बाजू में गहराई होती वो हम नेट में यहाँ पे नहीं देंगे। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे रहे क्योंकि हमारा कुछ ज़्यादा ही कपड़ा है। इसको हम फोल्ड कर देंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे हम फोल्ड कर दे रहे हैं इसको। ये हमने यहाँ पे फोल्ड कर दी। अब हम इसको बिल्कुल बराबर करके इसका बीच का हम सेंटर ले लेंगे और नीचे से जो हमारी छोटी बड़ी हो रही है यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे। लगभग हमारे यहाँ पे 9 इंच बाजू निकल आएगी क्योंकि हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा दब गया है, इसलिए यहाँ पे इसकी लंबाई छोटी हो गई है थोड़ी हल्की। अब इसका बीच का हम सेंटर निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया। अब ब्लाउज को हम यहाँ पे सीधा रखेंगे, जो हमारे ब्लाउज वो बाजू का कपड़ा है उसको हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे ऐसे सीधा रख के, और बिल्कुल सेंटर से शोल्डर से हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे ऐसे। हमें इसको जॉइंट करना है अगर आप यहाँ पे सादे कपड़े की भी बाजू बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सादे कपड़े की भी बाजू अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो आगे की तरफ हम 1/2 इंच गहराई देते हैं बाजू में वो आप यहाँ पे दे दीजिए बस। और नेट में गहराई से हमें कोई वो नहीं है ज़्यादा, आपकी फिटिंग सही आएगी। अब इसको हम दूसरी तरफ पलट के इस पर भी अटैच करेंगे आगे की तरफ। जो एक बाजू हमने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम बाजू को अटैच करेंगे जो हमारी दूसरी बाजू होगी। दूसरी तरफ भी हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे सीधा रखेंगे, सीधा रख के इसके जो बाजू से कॉर्नर से बिल्कुल मिला के और आर्म होल तक यहाँ पे मिला के, जो आर्म होल के कॉर्नर है उनको भी बिल्कुल बराबर मिला के नीचे तक सिलाई ले जाएंगे एक।
और दूसरी तरफ जो हमारी है वैसे ही दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। इसको बिल्कुल बराबर रख के बाजू से नीचे तक हम बराबर रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा ज़्यादा बाजू का कपड़ा निकल रहा है उसको यहाँ पे आप छांट दीजिए। और इसको अब हम उल्टा करेंगे, जो हमारी सिलाई होगी जो हमारा मार्जिन होगा वो अंदर की तरफ ही हमारा चला जाएगा, तो जो अंदर से हमारी फिनिशिंग होगी वो भी आएगी। अब हम इसको पलट लेंगे यहाँ पे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे बिल्कुल कॉर्नर से, ऐसे आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। जो हमारे अंदर की तरफ है वो भी हमारी सफाई से आया है, दूसरी तरफ भी ऐसा ही हम कर लेंगे। अब दूसरी तरफ करके अब हम यहाँ पे जो हमारी फिटिंग के निशान है हम वो लगाएंगे। 5.5 इंच हमारी गोलाई थी, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे गोलाई। और सीना है हमारा 38, तो उसका हम यहाँ पे लेंगे 9.5 इंच। जो हमारे यहाँ पे हुक वाली पट्टी है तो इसको हम यहाँ पे नापेंगे। पहले इसको आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, अच्छी तरीके से हम सेट कर लेंगे इसको। अब फिर यहाँ पे हम 9.5 इंच यहाँ पे इसका चौथा भाग लेंगे 38 का। यहाँ पे हम लेंगे 8.5, क्योंकि कमर हमारी है 34 इंच, 34 का हम लेंगे 8.5 इंच। और इसको ऐसे डॉट डॉट करके इसको मिला लेंगे पूरी फिटिंग का। इस पर ही आपको जो हमने निशान लगाए उस पर आपको सिलाई लगानी है। अब इसी पे हम सिलाई लगा लेंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा। यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे ब्लाउज में। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, लेकिन आई की जो पट्टी है उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। और 8.5 इंच हमारी कमर है, मतलब 34 का यहाँ पे चौथा भाग लेंगे और 38 का चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। यहाँ पे इसको हम बिल्कुल मिला देंगे। यहाँ पे लेंगे हम 5.5 इंच लगभग, हमारी 5.5 इंच हमारी गोलाई है बाजू की, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इस बाजू की गोलाई भी हम यहाँ पे मिला लेंगे। और जो हमने निशान लगाए इस पर ही आपको यहाँ पे सिलाई हमें लगानी है। तो हमारी जो फिटिंग यहाँ पे ब्लाउज की हो गई है, यहाँ पे ये ब्लाउज हमारा बन के तैयार हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लाउज सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सिलाई सीखना चाहते हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।